कहते हैं जीवन में एक व्यसन होना चाहिए, पर कौन सा व्यसन सही है और कौन सा सही नहीं है, इसका चुनाव कैसे करें? क्या व्यसन होना जरूरी है? नशा होना जरूरी है पर भक्ति का, हाँ एक व्यसन होना जरूरी है लक्ष्य को प्राप्त करने का, हाँ एक नशा बहुत जरूरी है अपने माता पिता के नाम को बढ़ाने का, हाँ एक व्यसन बहुत जरूरी है समाज सेवा का, हाँ एक नशा प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी है अपने राष्ट्र के नाम को रोशन करने का, हाँ एक नशा बहुत जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति को भारत को विश्व गुरु बनाने का। लेकिन ऐसा नशा बहुत घातक है जिस नशे के आप आदि हो जाओ, और आदि नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और व्यसन के घाटे भी बहुत है, एक घाटा तो यही है कि अगर वो ना मिले तो बेचैनी होने लगती, व्यक्ति अपने आप को खाली खाली महसूस करता है, उसे लगता है कि हम तो लुट गए, आज हम बर्बाद हो गए, आज हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उसे यहां तक कि जीने पर भी भरोसा नहीं होता। तो व्यसन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो व्यसन भक्ति का है तो बहुत अच्छा है, वो व्यसन अगर राष्ट्रभक्ति का है तो वो और अच्छा है, वो व्यसन अगर भारत को विश्व गुरु बनाने का है तो वो व्यसन बहुत अच्छा है, बाकी व्यसन सब फीके। यूं कहें तो कांच और मणि, मणि और कांच दोनों चमकदार जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता, जो मणि की कीमत है वो कांच की कीमत नहीं, जो मणि का पर्याय है वो कांच का पर्याय नहीं। उसी प्रकार व्यसन अगर राष्ट्रभक्ति का व्यसन है तो वो सर्वोत्तम व्यसन है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ खाने पीने का नशा है तो वो सबसे खतरनाक और बेहुदा व्यसन है। इससे अच्छा तो जीवन में हमारे व्यसन ना हो, इससे अच्छा तो जीवन ना हो तो उत्तम।